प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मुरैना में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर के साथ अपनी गाड़ी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टीकर लगाकर अभियान की शुरुआत की। जीतू ने सभी से कहा कि आप सभी भी अपनी गाड़ी पर यह स्टीकर लगाकर यात्रा के संदेश को जन जन तक ले जाएं। इसके बाद जीतू ने मुरैना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अपनी घोषणा पत्र को पूरी भूल चुकी है। पिछले सवा महीने में उसने एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। हम कल मुरैना देर रात पहुंचे, पर जो उत्साह था, जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, वो फिर एक बार ये एहसास कराती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो आम जनता को गले नहीं उतरी है। पर राजनीति में जो जीता हो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनता ने जनादेश दिया उस सर माथे पर, बहुत खुशी हुई। इतना उत्साह देखकर हमने लोकसभा की तैयारियों के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल जी जो मुरैना लेकर आ रहे हैं 6700 किलोमीटर के उस संबंध में कई कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। आप लोग भी कई परिवार के साथी वहां उपस्थित थे। पूरे घटनाक्रम के बाद एक हमारे जाटो भाई के यहाँ जब हम भोजन करने गए, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के यहाँ, तो जो भारत की मूल संस्कृति है, विरासत है, जो प्रेम प्यार मोहब्बत और एक सच्चा भारत क्या होता है वो देखने का अवसर मिला। मुरैना जाना जाता है बहादुरी के लिए, ईमानदारी के लिए, अपनी जवान की कीमत के लिए और नई क्रांति के लिए, देश की सेवा के लिए, वो एहसास वहां भी हुआ। फिर उस वहीं जाटव परिवार में हमें पूरी रात्रि विश्राम का भी अवसर मिला, ये भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। पर सवाल, जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो फैसला किया वो हमें सर माथे पे, कांग्रेस पार्टी को दायित्व मिला है वो विपक्ष की भूमिका निभाने। हमें सिर्फ एक मूल मंत्र कांग्रेस पार्टी ने आत्मसात कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बताया ये हमारी गीता और रामायण है, उसके अक्षर सह पालन कराने की जिम्मेवारी उसका नहीं करने पर, जनता को साथ लेकर सड़क पे आने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की। मैं मानता हूं इस सरकार ने पहला एक महीना गया उस रामायण और गीता का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। आपको लाडली बहना को 3000 रूपये देना था कल 10 तारीख के ही, आपने 1250 रूपये दिए। ये धोखा है, ये अन्याय है, ये संस्थागत व्यवस्थागत सरकारी झूठ है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम मांग करते हैं 3000 रूपये बहनों को मिलना चाहिए। पिछले मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बहन के मन में ये दिल में जगह बनाई कि मुझे आप वोट दो, मेरी पार्टी को दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 3000 रूपये आपके खाते में डालूंगा, ये धोखा नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूं जो किसानों को 3100 रूपये की बात हो, धान की, जो गेहूं की 2700 रूपये की मांग है, जो 450 रूपये का गैस सिलेंडर है, 2 लाख नौकरियां है, हर घर रोजगार है, ऐसे तमाम घोषणाएं जो उस वचन पत्र में है, सरकार इसमें एक भी सवा महीने में पालन नहीं किया है। हम फिर से आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करते हैं, आप वचनों का पालन करो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने एक नया विचार दिया है, कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है नेतृत्व करने का, मतलब कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला है ना, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा है। हम अपनी अच्छी विपक्ष की भूमिका, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी कैसे जीते उसकी मूल रणनीति और जो भारत न्याय यात्रा है उसकी तैयारियां सब मुरैना में भी कर रहे हैं। मैं आप सभी को भी आमंत्रित करता हूं उस न्याय यात्रा में, जो 20 फरवरी के बाद कब भी मुरैना से इंटर हमारे ग्वालियर चंबल की इस चंबल की माटी में करेगी। और साथ ही साथ मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ उपस्थित है, वो भी अपना वक्तव्य देंगे, फिर हम सवाल जवाब करेंगे।
जैसा आपने अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, सरकार ने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में उससे पीछे हटते हुए दिख रही है। और 2 लाख लाडली बहनाओं के नाम चले गए चुनाव के आते से ही, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। अब सरकार कह रही है कि उस अपात्र थे। जब आपने जोड़ा सूची में नाम, 2 लाख जब पात्र थे तो अब सुपात्र कैसे हो गए? तो ये एक रणनीति है भाजपा की कि बजट कैसे कम किया जाए और आने वाले 2-3 महीने में लोकसभा के बाद ही योजना बंद हो जाएगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, और हो सकता है कि अपात्र की सूची बड़ी हो जाए। 2 लाख का आंकड़ा आपको आने वाले समय 30-40 लाख भी दिख सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय सिर्फ घोषणा करती है भाजपा, तो लेकिन 5 साल पूरे वादे नहीं करती। गए चुनाव में इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली का, 24 घंटे बिजली आज भी आपके चाहे पूर्व मुरैना चंबल क्षेत्र में हो, चाहे मध्यप्रदेश के किसी भी कोने में, कहीं पर आज 24 घंटे किसी मजरे टोले में बिजली नहीं मिल रही। लेकिन इन्होंने गए चुनाव लड़ा 24 घंटे बिजली के नाम पे। अब लाए लाडली बहना, अब लाए धान खरीदी को लेके। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल जी की न्याय यात्रा आ रही है। न्याय यात्रा क्यों? न्याय यात्रा आज देश को जिस प्रकार से एक निरंकुश रूप से ताकतें घेरी जा रही है, जिस प्रकार से हिटलर शाही चल रही है देश के अंदर, आम व्यक्ति का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर माननीय वकीलों ने वहां पर उसका प्रदर्शन किया, तो उनपे उनको दबाव बनाया। तो क्या देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है? इस बात को आप सबको समझना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ये देश के हर व्यक्ति के लिए एक जागरूकता का समय आ गया है कि हम मुद्दों पे भटक रहे। कोई मंदिर की बात कर रहा, कोई अन्य बात कर रहा, कोई देश के एक आप नाम ही चल रहा है पेपरों में, आप अननोन व्यक्ति ये कर रहा है। तो राष्ट्र भक्ति की बात करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से ये गृह युद्ध की स्थिति कर रहे हैं, जिस प्रकार से मतभेद कर रहे हैं, क्या देश को क्या विकास की तरफ ले जा रहे? मैं आपसे एक प्रश्न कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान विकसित कब होगा? क्या विकासशील रहेगा? पिछले आत्मनिर्भर की आप बात करते हैं, इससे स्टार्टअप बंद हो गए, इससे युवाओं को नौकरियां बंद हो गई। तो आज क्यों देश से स्टार्टअप बाहर जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं हो पा रहे? 75% आपकी जानकारी में स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। तो बाहर की विदेशी ताकतें पैसा खींच रही है, लेकिन आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी जी, क्या विकासशील ही रहेगा कि विकसित होगा? विकसित कब होगा? अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत के नक्शे में दिखाते आरएसएस, लेकिन ये सिर्फ हमें एक राष्ट्रभक्ति की तरफ सिर्फ एक सपना दिखाते हैं और एक अपने जेबें भर रहे। आज महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को लेकर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए। जब कच्चे तेल के भाव कम हो सकते हैं तो आसपास के देशों में जब सस्ते भाव में मिलता है तेल डीजल पेट्रोल, तो आज हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को आज सस्ते भाव में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं मिल रहा? तो ये सब बातें कि मुद्दों से ध्यान भटकाना, धर्म की बात करना। भाई धर्म में मैं कहना चाहूंगा कि धर्म सबके लिए, सब अपना अपना आदर करते, सब पूजा पाठ करते, तो इसमें सिर्फ यही मुद्दा है देश के अंदर। तो देश में महंगाई की आवश्यकता, महंगाई कम करने की आवश्यकता नहीं है, या बेरोजगारी कम करने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों पर मोदी जी या इनकी भाजपा सरकार जवाब देना नहीं चाहती। किसानों को खाद आज प्रदेश में नहीं मिल रही, उस पर बात नहीं करना चाहती। आज युवाओं को 6 महीने से आप कई परीक्षाएं आपके रिजल्ट नहीं आए, पटवारी परीक्षाओं में घोटाले हो रहे, इस पर आप बात करना नहीं चाहते हो। आप 450 रूपये गैस सिलेंडर की बात करना नहीं चाहते हो। मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने उज्जैन की व्याख्या करते हैं, विक्रमादित्य के बारे में बताते हैं, तो अगर आप विक्रमादित्य की अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो फिर न्याय कीजिए आप।
आप किसी मंदिर के पुजारी नहीं है, आप एक मुख्यमंत्री है प्रदेश की समस्याओं को लेकर आपको बात करना पड़ेगी, जनता की आवाज आपको सुनना पड़ेगी। धन्यवाद। कल बीते 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए घोषणा पत्र के अनुसार डाले जाने थे, लेकिन केवल 1,250 रुपए ही डाले गए हैं। उसमें भी 2,00,000 बहनों को नियमों की आड़ में कम कर दिया है। इस मौके पर जीतू के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तथा उपनेता हेमंत कटारे के साथ दिनेश गुर्जर, पंकज उपाध्याय, महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, शहर जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा उपस्थित थे। जीतू पटवारी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जन भावनाओं का आदर किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है। हमने हमेशा कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हमें भी मंजूर है और देश को भी मंजूर है। जब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर बनना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे देश ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट के निर्णय को वादी एवं प्रतिवादी दोनों ने ही सामूहिक रूप से स्वीकार किया। आज इसी आधार पर मंदिर बन रहा है। चूंकि वर्तमान में देश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए न्यायालय के आदेशों के पालन की प्रक्रिया बीजेपी द्वारा पूरी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, पूजन करने और जीवन शैली जीने की स्वतंत्रता देती है। जीतू बोले, जिस तरह के चुनाव परिणाम आए उसका एहसास न तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को था, न जनता को और न ही मीडिया जगत को। ये बात दतिया और भिंड में स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करके समझ में आई है। उन्होंने कहा कि भिंड की धरती ने बड़ी तादाद में देशभक्तों को पैदा किया है। यहाँ के नौजवान सबसे बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की अग्निवीर योजना सही नहीं है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो इस योजना का समापन कर देंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए और कांग्रेस ने इसके लिए पहले से वादा किया है। चंबल दौरे पर जीतू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था, सिंधिया कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं थे। ये बात बिना वजह ही उड़ाई गई है। पटवारी ने कहा कि जैसे मैं पीसीसी अध्यक्ष हूं लेकिन नेतृत्व सामूहिक है, उसी तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में भी था। सिंधिया के भरोसे या उनके चेहरे पर कांग्रेस ने तब चुनाव नहीं लड़ा था। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद एक बार फिर से सिंधिया की कांग्रेस में स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो सकती है। जीतू पटवारी के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लाडली बहना योजना को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाडली बहना की जब सूची में नाम जोड़े तब तो बहनें पात्र थी, अब नई सरकार आते ही कैसे इतनी बड़ी संख्या में अपात्र हो गई, और हो गई अपात्र तो योजना में नई बहनें भी तो जोड़ी जा सकती है, लोकसभा चुनाव के बाद योजना खत्म कर दी जाएगी।